अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारी ये नेक्स्ट जो टॉपिक है इस कोर्स का, वो है आर्टिकल राइटिंग। ये तो पता है कि भाई मैंने आर्टिकल लिखने हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर काम करने, वेब कंटेंट राइटिंग करने, डिफरेंट करने। लेकिन अब जो है हमारी सीरीज हो गया कि आर्टिकल राइटिंग क्या चीज है, उसे कैसे करते हैं, उनमें क्या टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं, अब हम वन बाय वन उन सबको यहाँ पर डिस्कस करने लगेंगे। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि दूसरों का भी इस कोर्स से बेनिफिट हो तो इस कोर्स को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। और आपका जो भी क्वेश्चन हो प्रीवियस लेक्चर्स के रिलेटेड तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर जो बंदा मेरी वीडियो पर फर्स्ट टाइम आया है तो वो पहले प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं इफ यू लाइक। सो हम देखते हैं कि हमारा जो आज का जो टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग, तो वो क्या है। तो आर्टिकल राइटिंग में आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स लिखते कैसे हैं, आर्टिकल्स में कौन कौन सी चीजें मेन चीजें हैं, यानी कि आर्टिकल होता क्या है, यानी कि हम कब लिख रहे होते हैं आर्टिकल्स और हमें पता भी नहीं होता कि यार हम ये बाकी आर्टिकल लिख रहे हैं। तो आपको बता दूं जो आर्टिकल है वो कौन कौन से होते हैं। एक होते हैं ब्लॉग पोस्ट, जो हम ब्लॉगर के ऊपर लिख रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं, जो कि गूगल के खुद के वेबसाइट है जहां पर आप वर्क कर सकते हैं एक एज अ कंटेंट राइटर, और आपकी जो है अर्निंग वहां पर बहुत फास्ट हो सकती है। अब ये क्या, जो ब्लॉगर है वहां पर जो हम ब्लॉग पोस्ट करते हैं वो एक किस्म के आर्टिकल होते हैं। उसमें क्या होता है, आपने एक स्पेसिफिक टॉपिक लिया, स्पेसिफिक टॉपिक के रिलेटेड आपने सारी इन्फॉर्मेशन दी, वहां पर हेडिंग और सब हेडिंग का भी ख्याल रखा, वहां पर आपने जितनी भी वहां पर थी आपके जो भी डाटा था उसका सही से इस्तेमाल किया, और इसके अलावा आपने जो भी कंटेंट आपने टॉपिक है जिसके ऊपर आर्टिकल लिखना है वो पहले सबसे पहले आप उसे चेक किया करेंगे कीवर्ड प्लानर के ऊपर, क्या वो रैंक कीवर्ड है या नहीं है। वो इंशाल्लाह आपको इसका जो कीवर्ड प्लानर है उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पर मैं वो सिंपली आप क्लिक करें, साइन इन करें, और वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं कौन सा वर्ड कितने रैंक में जा रहा है। और वो इंशाल्लाह अगर आपको बिल्कुल अगर यूज नहीं करना आ रहा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसकी फुल एक्सेस दूंगा, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना लेंगे हम। और आगे जो है हमारे पास जो आते हैं आर्टिकल्स, आर्टिकल्स भी वही सेम चीज है। अब देखें ना, मैं आपको बता रहा था जो ब्लॉग पोस्ट के ऊपर करते हैं तो उसके बाद डेटा लिखते हैं एक चीज, और उसके साथ एक आप स्पेसिफिक पिक्स लगाया करें। पिक्स का क्या फायदा होता है कि जब आर्टिकल पोस्ट कर रहे होते हैं तो उसमें ये होता है कि आपका जो क्लाइंट है, जो व्यूअर्स है, उसे बहुत अच्छे से समझ आती है। दूसरा, ये फैमिलियर वर्ड्स यूज करें, आसान वर्ड यूज करें ताकि उससे आपका फायदा हो, यानी कि जो आपका क्लाइंट है उसे ये ना फील हो कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूं या मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं, आपको उसमें एक अच्छा व्यू लाने के लिए ये सारा कुछ करना पड़ेगा। और जो नेक्स्ट चीज है वो है रिव्यूज, रिव्यूज में भी वही सेम चीज है, आपने सारा कुछ करना है। आर्टिकल्स जब रिव्यू दे रहे होते हैं ना किसी चीज का, उसके ऊपर कंटेंट राइटिंग एक आर्टिकल ही आप लिख रहे होते हैं बेसिकली, क्योंकि रिव्यू में भी रिव्यू पेपर जो होते हैं उनके ऊपर भी बहुत कुछ आर्टिकल टाइप में लिखना पड़ता है। लेकिन यह जो आप ब्लॉग पोस्ट पर करते हैं वहां पर आप वीडियो लिंक भी लगाएं, वहां पर आप उनके साथ जो शेयर करें अपना, वो ये है कि वहां पर एक अपनी जो आप कंटेंट है उसके रिलेटेड पिक्चर्स भी लगाएं, तक क्योंकि ये देखें कि एक जो सेंस होती है ना पिक्चर से समझने की वो ज्यादा होती है और अट्रैक्शन उससे ज्यादा होती है। और जो आप करते हैं कि यार मैंने सिर्फ कंटेंट अच्छा लिख रहा है वो भी अच्छी चीज है, लेकिन वहां पर इंगेज बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन जो आपका अच्छे पिक्चर होती है अच्छी चीज होती है वो बहुत जबरदस्त है। इसलिए आपको थोड़ा बहुत ना एक कंटेंट राइटर को मैं कहूंगा ग्राफिक्स का पता होना चाहिए, कैनवस जो है उसे यूज करना आना चाहिए। अगर फिर भी इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बताऊंगा प्रॉपर बनानी है कि जो हम ग्राफिक्स का जो बेसिक टूल्स है वो कैसे यूज करें। सो नेक्स्ट आती है गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट क्या होती है, अब गेस्ट पोस्ट भी एक किस्म का आर्टिकल पोस्टिंग होती है, कॉपी यानी कि आपने एक क्लाइंट लिया उसके आर्टिकल से आपने रिसीव किए, उसे चेक एंड बैलेंस किया, हां भाई बिल्कुल प्रॉपर सही है, वही आपने किसी और वेबसाइट्स को, मल्टीपल वेबसाइट थी वहां पर आपने कांटेक्ट किया, आपने कहा मैंने ये आर्टिकल ना आपके पास पोस्ट करना है। अब आपने जो क्लाइंट से लिया वो $30 में ले लिया, आपने आगे जो है मोस्टली जो है आपको वेबसाइट $10 के अंदर, $5 के अंदर अपना आर्टिकल पोस्ट करने देती है। लेकिन क्या है कि लोग जो है इस वर्क को नहीं करते, और गेस्ट पोस्टिंग बहुत ही जबरदस्त किस्म का वर्क है इसके ऊपर, और आप यानी कि उसमें भी सिर्फ आपको प्लेजरिज्म थोड़ा बहुत देखना पड़ता है, हाँ जो मुझे क्लाइंट ने दिया सही है, चेक एंड बैलेंस करके आपने आगे पोस्ट करानी होती है। अब इतना सिंपल सा वर्क है आर्टिकल राइटिंग। अब आर्टिकल राइटिंग में आपको दोबारा से इसके कीवर्ड्स बता दूं, नंबर वन जिस वर्ड के ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हैं उसको पहले कीवर्ड प्लानर के ऊपर चेक करना है, क्या वो आएगा रैंक वर्ड कीवर्ड है या नहीं। नंबर टू, आर्टिकल्स जब भी लिखे तो आपने जो भी डाटा उठाया उसे आपने प्लेजरिज्म में चेक करना है कि क्या इसमें प्लेजरिज्म तो नहीं है, सबसे पहले खुद अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। नंबर थ्री, आपने पिक्चर अटैच लाजमी करनी है। नंबर फोर, उसकी रिलेटेड यानी कि एक इंफॉर्मेटिव बातें लाजमी लिखनी है, और वो भी सब हेडिंग में बनाकर पॉइंट्स बुलेट्स की फॉर्म में लिखकर आपने उसके लाजमी बताने हैं। और उसके बाद लास्ट चीज जो है वो ये है कि आपने वीडियो अटैच करनी है। वीडियो आप यूट्यूब से उठा सकते हैं, लिंक्स लगा सकते हैं, जैसे ब्लॉगर है बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहां पर आप जब वर्क करेंगे तो आपको खुद समझ आएगा आर्टिकल में हम किस तरह आगे वर्क कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो यहीं तक, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अंदाज में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।